दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ खास तेज सत्तू वाली कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और हमारे तरफ इसे गुटकी कहते हैं, और आपके तरफ क्या इसे कहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए कितना खास्ता है, और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सच में बहुत ज़्यादा खास्ता बना था। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 kg मैदा लिया है, मैदा को हमने अच्छी तरह से चाल लिया है। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा, आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, कुछ भी थोड़ा सा डालना है, 1/2 teaspoon छोटे वाले चम्मच से। उसके बाद यहाँ पे अजवाइन को हम क्रश करके डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और सबसे ज़्यादा आपको खास्ती कचौड़ी बनाने के लिए इसके आटा गूंदने में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपका भी कचौड़ी खास्ता हो। उसके बाद हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें, जितना आपका मैदा हो उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा 3 kg था। उसके बाद बेकिंग सोडा और नमक और अजवाइन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे घी डाल रहे हैं। करीबन 1 कटोरी हमने यहाँ घी डाला था, मीडियम कटोरी से 1 कटोरी हमने यहाँ घी डाला था। घी थोड़ा ज़्यादा में डालना, आप यहाँ पर चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो, रिफाइंड तेल वगैरह। तो यहाँ पे मैंने घी डाला था, और यहाँ पे देखिए गुनगुना पानी है। और इसमें हमने हींग को पानी में थोड़ा सा फुला के, मतलब कि थोड़ी देर छोड़ देना है इससे, उसके बाद जब हम गूंथेंगे ना, आटा लगाएंगे ना उस, और इसी हींग के पानी को और हींग को हमें डाल देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौड़ी में हींग का। तो उसके बाद थोड़ा सा और हमने यहाँ पे घी डाला है, और पहले घी को मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें आप, कि इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें क्या कहते हैं उसे मुट्ठी ना बनने लगे। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके और फिर पानी, गुनगुना पानी से ही हमें आटा को लगा लेना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा आटा था, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा हमने करके आटा को लगा लिया है। तो मैं नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरी बुआ बना रही है, ठीक है। और ये मेरे घर फंक्शन था, उसी दिन बन रहा था सभी के लिए, तो इसलिए मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पर रिकॉर्ड किया है वीडियो, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम भी थे। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा अच्छी तरह से लग गया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा को लगा लेना है। तो आटा हमको थोड़ा सा, मतलब कि कड़ा ही लगाना है इसे, नॉर्मल जो आप रोटी के आटा बनाते हो उससे हमें इसे कड़ा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सत्तू तैयार कर लिया गया है, सत्तू की मैंने डाली नहीं है वीडियो, आप मतलब सत्तू आप जिस तरह से तैयार करते होगे ना, सत्तू भर की कचौड़ी या सत्तू भर के पराठे बनाते हो, वैसे ही आप सत्तू तैयार कर लो अपने हिसाब से, उसमें जो भी डालना हो डाल सकते हो। उसके बाद देखिए हम इसे गुटकी बना रहे हैं, यहाँ पे कचौड़ी भर रहे हैं। तो पहले हमें छोटा सा आपको बॉल टाइप का बना लेना है, उसके बाद होल कर लेना है बीच में हमें स्टफिंग के लिए, सत्तू डालने के लिए। देखिए अच्छी तरह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा होल करने के बाद हिसाब से सत्तू डालना है, ज़्यादा सत्तू ना डालें, क्योंकि ज़्यादा सत्तू डालने पे थोड़ा इसका स्वाद थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सत्तू डालें। उसके बाद इसे इसके ऊपर वाले मुंह को बंद कर देना अच्छी तरह, और इसे गोल घुमा के बीच में थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इससे ना अच्छी तरह से जब ये तलाता है ना, तो अच्छी तरह से रिफाइन में, मतलब अच्छा हो जाता है, खास्ता हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल ना करिए, अगर हाई करिएगा तो आपका कचौड़ी कभी भी खास्ता नहीं होगा। उसके बाद अपने मतलब कि आपके तेल में जितना जगह हो उसके हिसाब से हमें इस गुटकी को डाल देना है, आपकी तरफ जो भी कहते हैं, मेरी तरफ इसे गुटकी कहते हैं, डाल देना है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है बिल्कुल, और आपको तेल थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा, क्योंकि इसमें 2-3 बार तला चुका है, मैं तीसरी बार मतलब कि देखी कि रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन काफ़ी काम था। और हाँ देखिए 2 वीडियो मिस हो चुका था, मतलब डिलीट हो गया था, मैंने किया तो था पर डिलीट हो गया था। तो आपको एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से इसे पलट देना है, और दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन हो जाए उसके बाद हमें निकाल लेना है। देखिए कितना खास हुआ है, आप देखिए थोड़ा सा छूने पे ना टूट जा रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था दोस्तों। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कचौड़ियाँ कैसी बनी। तो यहाँ पे देखिए हमने तल लिया है, और ये सच में बहुत खास्ता हुआ था, और मतलब थोड़ी बहुत वीडियो इसमें छूट गई है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और देखिए यहाँ पे हमारी सारी गुटकी तला चुकी है, सत्तू की कचौड़ी खास्ते वाली। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।